इस बार एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सीट का नेतृत्व करेगा। पिछले 10 साल से सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के नेतृत्व किया था। अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट के नए सांसद चुने गए हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा है और भाजपा ने मजबूती के साथ उस सीट पर काम किया है। हम लोगों के व्यक्तिगत पारी कभी नहीं होती है, पार्टी जिसको जो आदेश देती है वो उस काम को करता है। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार लोकसभा आज जब मैं चुनाव लड़ा था 2014 में, तब हम उसको 2.5 लाख मतों से हारे हुए थे और उस समय हम 1,85,000 मतों से जीते हारी हुई सीट को, और दोबारा तो लगभग 3.25 लाख मतों से जीते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 10 साल का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से वहाँ पर काम किया है, गवर्नमेंट ने काम किया है। और अब उस सीट से इस समय त्रिवेंद्र रावत जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी लाखों मतों से जीत के आ रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी का विषय है और इसलिए अच्छा है। मुझे लगता है 5 की 5 सीटें हम उत्तराखंड की जीत। और वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग ने गढ़वाल मंडल राजकीय पॉलिटेक्निक पित्तुवाला में रोजगार मेले का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने किए। कार्यक्रम में पॉलिटेक्निक के शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थी। रोजगार मेले में विभिन्न सेक्टर्स की कंपनी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अभी तक पॉलिटेक्निक के माध्यम से 6,000 छात्र छात्राओं को रोजगार मिल चुका है, तो वहीं 2,500 छात्र और छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। सरकार ने विदेशों में भी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से छात्र और छात्राओं को रोजगार। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान 2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण और जल संचय की दिशा में तेजी से कार्य किए जाए, नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास किए जाए, इसके लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। वहीं 10 से 16 जून तक प्रदेश भर में जल उत्सव सप्ताह व्यापक स्तर पर मनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। हरेला पर्व पर देहरादून शहर को व्यापक स्तर पर हरा भरा बनाने की मुहिम को लेकर MDDA ने बिल्डरों के साथ बैठक कर वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया है। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून में MDDA के अंतर्गत कई क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो गए हैं, तो वृक्षारोपण से जल स्तर को नीचे जाने में मदद मिलेगी। वहीं इसके साथ ही MDDA के उपाध्यक्ष बंसीधर तिवारी ने कहा कि हमने 1 लाख पेड़ लगाने का निर्णय लिया है और जितने भी प्राइवेट संस्था और NGO या व्यक्तिगत स्तर पर किसी को पेड़ चाहिए हो तो वो MDDA के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पेड़ की मांग कर सकता है। ये बहुत अच्छा है, हमारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इस प्रकार की जो एक नई सोच के साथ, क्योंकि अब इस पूरे देहरादून के अंदर मसूरी देहरादून प्राधिकरण के अंतर्गत जो भी हमारा क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में पिछले सालों में काफ़ी निर्माण कार्य हो गया है, जिसके कारण से जो सीधे सीधे आसमान से आने वाला वर्षा ऋतु का जल है या अन्य समय में जो वृष्टि होती है वो वृष्टि सीधे सीधे जमीन में न जाकर आगे निकल जाती है, और इस प्रकार के वृक्षारोपण करने से और साथ में तलैया बनाने से जल स्तर को नीचे जाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। ये बहुत सराहनीय पहल है, इस प्रकार का काम हमारी सभी संस्थाओं को भी करना चाहिए, अन्य जो हमारे प्राधिकरण हैं वो भी इसमें आगे आएंगे। इनको हम लोग 1 लाख पेड़ लगाने का निर्णय लिए हैं और आज से देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी के हाथों इसका शुभारम्भ भी कराया है, और जितने भी प्राइवेट संस्थाएँ हैं, चाहे NGO है, चाहे कोई दूसरा समूह है, RWA है या व्यक्तिगत स्तर पर, अगर किसी को पेड़ चाहिए तो MDDA ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है उस पर जाकर डिमांड कर सकता है, तो निःशुल्क पेड़ और ट्री गार्ड दोनों में उपलब्ध कराएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जन सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। पौड़ी में नागदेव रेंज के श्रीनगर में वन विभाग के पिंजरे में एक बार फिर गुलदार कैद हुआ है। यहाँ अब तक 6 गुलदार है जिन्हें
सड़क पर चौराहों तिराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री रखने की व्यवस्था को लेकर शहर की जनता अभी सजग नहीं है। देहरादून शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए यातायात पुलिस ने अगस्त में यहां चंडीगढ़ की तर्ज पर चौराहों तिराहों पर लेफ्ट टर्न को फ्री रखने की व्यवस्था शुरू कर दी थी। इसके तहत डिवाइडर लगाकर सड़कों को दो हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा उस सड़क से बाईं तरफ की दूसरी सड़क पर मुड़ने वालों के लिए है, जबकि दूसरा सीधे जाने वालों के लिए। वर्तमान में शहर के 15 चौराहों पर यह व्यवस्था लागू है। इसके लिए बकायदा लेफ्ट 13 राइट अभियान चलाकर वाहन चालकों को व्यवस्था में सहयोग के लिए जागरूक किया गया। सख्ती के नाम पर कुछ वाहन चालकों के चालान भी किए गए, मगर अधिकांश वाहन चालक पुलिस की यह व्यवस्था मानने को तैयार नहीं है। लेफ्ट टर्न फ्री का है, इसमें हम ड्रोन से भी कार्रवाई करते हैं, और इसके अलावा जैसे कई जगह पर लेफ्ट टर्न फ्री करने के लिए डिवाइडर बनाने की आवश्यकता थी, इस संबंध में हमने पत्राचार किया था संबंधित विभाग से। उसमें सकारात्मक एक परिणाम ये रहा कि हमें अभी कुछ दिन पहले ही उसके रिस्पॉन्स में एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया है, और करीब 9 से 10 जगह पे हम लोग अभी इसमें लेफ्ट टर्न फ्री करने के। पौड़ी में नागदेव रेंज के श्रीनगर में वन विभाग के पिंजरे में एक बार फिर गुलदार कैद हुआ है। यहां अब तक 6 गुलदार हैं, जिन्हें बीते 6 माह में वन विभाग पकड़ चुका है। बता दें, श्रीनगर में 3 मासूमों को मौत के घाट भी उतारने और 2 मासूमों को बुरी तरह से घायल करने के बाद से गुलदार की दहशत श्रीनगर में बनी हुई है। ऐसे में डांग और श्रीकोट क्षेत्र में गुलदार की दहशत को देखते हुए श्रीनगर के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में पिंजरे लगाए गए थे। जानकारी देते हुए पौड़ी नागदेव रेंज के रेंजर ललित मोहन सिंह नेगी ने बताया कि ग्लास हाउस मोहल्ले में पिंजरे में एक गुलदार फंस गया है, जिसे रेस्क्यू कर पौड़ी नागदेव रेंज लाया गया। यह गुलदार का परीक्षण करवाया जा रहा है। रेंजर नेगी ने बताया कि वन विभाग की गश्त श्रीनगर में फिलहाल जारी रहेगी। जब से जो है बच्चे को जो है घायल किया था, तो उसके बाद जो है लगातार हमारी टीम गश्त करती थी, और इस बीच में हमने अब तक जो है ये 3 जो है गुलदार पकड़ दिया, जो कि आज सुबह उसको जो है रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया गया रेंज ऑफिस में, और अब अगले माह जो भी हम लोग उस ढंग से कार्रवाई की जाए। अब जैसे कि गुलदार के हिसाब से तो मतलब अब गुलदार की स्थिति तो नहीं है शायद, क्योंकि 2-3 दिख रहे थे 3 हम पकड़ चुके हैं। तो जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तराई पूर्वी वन विभाग की ओर से एसडीओ संचिता वर्मा के नेतृत्व में बरगद आंवला पीपल और फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। साथ ही पर्यावरण को शुद्ध स्वच्छ सुरक्षित और संरक्षित रखने का भी संकल्प लिया गया। वहीं एसडीओ वर्मा ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से वन विभाग की ओर से पूरे प्रदेश को हरा भरा करने की मुहिम प्रदेश और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में चलाई जा रही है।